ये आपका एक सर्किट है जो कि इसमें आपको एक बैटरी लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और तीन रजिस्टर और एक कैपेसिटर और एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है। एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जो कार्बन कंडेंसर माइक्रोफोन है। इसमें ये जो सर्किट है वो क्लैप स्विच है और ये वन शॉट मोनो स्टेबल मोड में 555 को इसमें लगाया गया है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे कि हमने बैटरी को लगा दिया इसमें, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे ये कंडेंसर मिक जो हमारा लगा हुआ है यहाँ पे हम इसको क्लैप करेंगे तो ये आपका जो है जल जाएगा। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये जलेगा, लगता है कनेक्शन आपका लूज है। देखिए आपका ये बल्ब जल रहा है, यहाँ देखिए बल्ब जो है आपका बार बार जलेगा। ये जो आपका सर्किट है ये डार्क डिटेक्टर है। डार्क डिटेक्टर में क्या है कि आपको जब भी आप इसे अंधेरे में, यहाँ पे एक एलडीआर लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये आपको, और यहाँ पे एलईडी बल्ब है और यहाँ प्रीसेट लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये जो आपका सर्किट है, ये सर्किट जो है इसको मैं बता देता हूँ कि इस पे जब डार्क आएगा यानी अंधेरा आएगा तो ये आपका जो बल्ब होगा वो बुझ जाएगा और जब लाइट रहेगा इस पे तो ये बल्ब जलेगा। तो यानी कहने का मतलब कि ये एक डार्क डिटेक्टर है और ये डार्क को डिटेक्ट करता है। और इस तरह से आपको हम इसको अब ऑन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किस तरह से रिएक्शन करता है। आपका डार्क डिटेक्टर जो है इस पे ये जल रहा है, जब ये डार्क में आएगा एलडीआर तो ये क्या होगा कि बुझ जाएगा। यहाँ पे अभी अंधेरा नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है कि ये जल नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे अंधेरा हो रहा है और ये देखिए बुझ जा रहा है। यानी ये जो आपको एलडीआर है, लाइट डिटेक्टिंग रजिस्टर इसको बोलते हैं, इस एलडीआर के कारण ऐसा हो रहा है। जब हम इसे इस तरह से अंधेरा कर रहे हैं तो ये बुझ जा रहा है। ये अंधेरा होने के कारण, यहाँ पे बहुत रोशनी है इस वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिकल को नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही इस पर अंधेरा होगा तो ये आपका बुझ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुझ रहा है। ये आपका टच पैड सर्किट है। टच पैड सर्किट में एक रजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर और एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है। इसमें क्या मैकेनिज्म है कि दो तार, मतलब दो वायर एक दूसरे से आइसोलेट हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जब इस पे हम एक हाई ओम रेजिस्टेंस लगाते हैं, जैसे हमारा बॉडी एक हाई ओम रेजिस्टेंस का काम करता है तो कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए, इनफिनाइट रेजिस्टेंस पे भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे टच करेंगे तो ये जलेगा। अब हम प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेडबोर्ड में जो 5 ट्रैक होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, 5 ट्रैक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे एक जम्फर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से मैंने इस कनेक्शन को जोड़ना शुरू किया। 9 वोल्ट बैटरी है तो मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये लाइन अब इस ट्रैक पे जाने लगा। अब हम यहाँ पे ये दोनों आप वायर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर जूम करके आप देखेंगे तो ये दोनों वायर जो है आपको दिखाई देगा कि एक दूसरे से आइसोलेट है। और इस तरीके से आपको बता दूं मैं कि अगर हम इस दोनों वायर पे हाथ रखेंगे तो दोनों, देखिए ये आपका टच हो गया। अब यहाँ पे ये आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, ध्यान से देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है आपका। यहाँ पे आप देख सकते आइसोलेट है और यहाँ पे ये देखिए बल्ब आपका जल रहा है। ये नेक्स्ट जो आपका है, ये इसमें दो सर्किट है। पहला है आपका डोरबेल, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डोरबेल, और दूसरा आपका है क्राइंग टॉय। तो डोरबेल और क्राइंग टॉय दोनों ये सर्किट एक ही ब्रेडबोर्ड पे मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे आपका ये बैटरी है, ये पहला बैटरी है और ये दूसरा बैटरी, तो दोनों के कनेक्शन के लिए यहाँ अलग अलग बैटरीज भी लगाए हुए हैं, तो आप यहाँ अलग अलग बैटरीज को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो डोर बेल है और जो इसमें है उसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंट है सर्किट में। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डोरबेल का सर्किट है और इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये BT66 यानी U66 सर्किट जो है। इसमें क्या हुआ है कि जो बेल का आवाज होता है, जो आप बेल का जिंगल बेल आवाज सुनते हैं वो इसमें प्रोग्राम्ड है, और ये आपका BC547 है, एक रजिस्टर है और एक और रजिस्टर और एक जेनर डायोड लगा हुआ है। देखिए हम इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे मैंने इसे लगाया और यहाँ पे लगाया, देखिए ये आपका काम कर रहा है। तो ये जो स्पीकर है आपका, ये स्पीकर आपका आवाज कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीकर आपका बज रहा है और इस स्पीकर से ये आवाज निकल रही है। अब ये कंटिन्यू बजेगा, क्योंकि मैं यहाँ स्विच अगर लगा देता तो ये स्विच से भी आपका काम करता। नेक्स्ट,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट मैंने बताया था क्राइंग टॉय सर्किट, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्राइंग टॉय सर्किट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखें, यहाँ पे देखें आप क्राइंग टॉय सर्किट लिखा हुआ है। और ये जो आपका है ये तो आपका डोरबेल का है, और ये आपका जो स्पीकर है ये क्राइंग टॉय स्विच का है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर्स दो हैं और एक कैपेसिटर भी आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। और मैंने, आप सोच रहे होंगे कि इतना सेलो टेप क्यों मारा हुआ है, तो ये सेलो टेप मैंने इसलिए मारा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो हवा वगैरह के कारण ये जो वायर है वो ब्रेडबोर्ड पे बनाए हुए हैं तो ये हिल भी सकता है और लूज कनेक्शन है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। अब मैं आपको ये सर्किट बना के बता देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कनेक्शन मैंने कर दिया है, ध्यान एक मिनट आप देखिएगा, कनेक्शन मैंने कर दिया है। अब इस सर्किट को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसको देखिए यहाँ पे दो वायर है, तो ये दोनों वायर को अगर हम क्या करेंगे, अलग अलग वायर है, अगर हम दोनों को टच करेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट है आपका ये आपका लाइट डिटेक्टर है, ध्यान देंगे आपको ये लाइट डिटेक्टर है। तो लाइट डिटेक्टर सर्किट में क्या होता है कि जब इस सर्किट पे यानी एलडीआर पे जब लाइट पड़ेगा तो ये जो बल्ब होगा आपका डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और एक यहाँ दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये आपका काम करता है। अब हम इसको लगा दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये काम करता है। ये देखेंगे आप कि यहाँ पे मैंने लगाया इसमें वायर को, दोनों वायर को मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जल नहीं रहा है, तो इस पे क्या है कि जब हम अंधेरा करेंगे तो ये जलेगा, जैसे ही हम एलडीआर पे अंधेरा करेंगे तो ये क्या होगा कि ग्लो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अंधेरा कर रहे हैं तो ये ग्लो कर रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लाइट अभी बहुत सारा मौजूद है जिसकी वजह से ये जल नहीं रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे कि वर्क किस तरह करता है। देखिए कि मैं अंधेरा कर रहा हूँ, जल रहा है, तो इस तरह से देखिए